हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाँ, हेलो मैम, आई एम फाइन व्हाट मैम. अबाउट आई एम फाइन मैम, यू? व्हाट अबाउट यू? व्हाट व्हाट अबाउट अबाउट यू? एंड आज की क्लास में हमें क्या करना है? डिस्कस करना है स्टेट ऑफ मैटर? अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड जो लास्ट टॉपिक था हमारा लिक्विड्स वाला, यस इनविजिबल मैम, एंड आई इमिविजिबल एम लिक्विड्स. तो इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग आज डिस्कस करनी है. एंड यस मैम. जिन स्टूडेंट्स ने भी होमवर्क नहीं भेजा है अभी तक का, वो सारे ही सेंड करेंगे. यस मैम. मैंने अभी मैम बेटा, सेंड किया है मैम, मैंने मैंने सेंड जो किया है मैम. अभी होमवर्क किया उसमें सभी बच्चों का नहीं था फिलहाल. मैम भेजे मैम मैम भी ठीक चलिए तो स्टार्ट है करते हैं मैम. फिर. कंप्लीट किया मैम, आज भेज देंगे. यस, एक्सरसाइज 10.2, द स्टेट्स ऑफ मैटर. यस मैम. यस यस मैम. चलिए तो फर्स्ट है हमारा द स्टेट्स ऑफ मैटर. फिलहाल ये बहुत ही इजी टॉपिक था. यस मैम, फर्स्ट क्वेश्चन मैं है, दे ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज फॉरवर्ड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो हम सभी ने पढ़ा ही था कि जो लिक्विड है उसको जिसमें भी हम लोग उड़ेलते हैं वो उसी की शेप ले लेता है. तो आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ रही शो हूँ करना मैम. है. एग्जाम्पल यस करना मैम, हम कर लेंगे मैम. मैम. एक बॉटल से मैम वाटर को नीचे गिराते यस हुए मैम. मैम एक गिलास में दिखाएंगे और मैम वो गिलास का शेप ले लेगा. यस यस मैम. यस मैम. तो आप मैम वैसे या फिर आप ऐसा भी कर मैम सकते हैं कि एक जग में पानी रखना है और जग से किसमें डाल देना है, ग्लास बॉटल मैम, ग्लास में. ग्लास या तो बॉटल? ये आपको मतलब ये यस दिखा मैम. देगा, ये एक्टिविटी हो जाएगी ये दिखाने के लिए कि हम जिस भी बर्तन में पानी को उड़ेलेंगे वो उसी की शेप ले लेगा. बना लेंगे सभी? यस यस मैम. यस मैम. अब इसके बारे में लिखना भी है तो यस मैम, हम लिख अभी हम आते हैं लेंगे. स्टेट्स ऑफ मैटर पे. तो इसमें लिक्विड वाला देखना है. यस, ये रहा. तो ए लिक्विड हैज नॉट अ डज नॉट हैव अ फिक्स शेप. तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें उसे उड़ेलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द वाटर पावर्ड इन टू अ ग्लास, जब हम इसको ग्लास में उड़ेलेंगे तो ये किसकी शेप ले लेगा? ग्लास की. जब हम बॉटल में डालेंगे तो बॉटल किसकी शेप ले लेगा? बॉटल की. तो यही आपको बिल्कुल. लिखना भी है इतना. ओके okay? यस मैम. मैम फॉर वाह एग्जाम्पल नीना. मैम, व्हेन वाटर इज मैम. फॉल. यस बेटा. यस मैम, एक बार दोबारा बता दीजिए. मैम. देखिए आपको क्या करना है इसमें. यहां से लेके लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पावर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वेन वॉटर इज पावर्ड इन टू अ ग्लास, इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास. एंड हाउ एवर इट इज पावर्ड इन टू अ बॉटल, इट टेक्स द शेप ऑफ द बॉटल. पूरा लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है. यस मैम. तो जब हम इसे ग्लास में यस उड़ेलेंगे ये ग्लास की शेप ले लेगा, जब हम इसे बॉटल में उड़ेलेंगे पानी को तो ये बॉटल की शेप ले लेगा. मैम. तो यहां पर आपको डायग्राम भी बनाना है, बस इतना ही करना है. ओके okay? हम बना लेंगे. हम बना अब लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हम बना लेंगे. रीराइट दीज सेंटेंसेस, सॉरी रीराइट दीज स्टेटमेंट्स करेक्टली. ए जूस इज अ सॉलिड एंड हैज अ फिक्स शेप. तो अब इसमें क्या इनकरेक्ट लिखा हुआ है? मैम, आज जूस सीजा लिक्विड एंड ये डज नॉट सबको हैव एक साथ फिक्स नहीं शेप. बोलना है, ये मैं हर क्लास में मुझे बोलना पड़ता है. यस मैम. यस चलिए मैम. तो ए जूस इज अ सॉलिड एंड हैज अ फिक्स शेप. चलिए निहारिका बताएंगे. निहारिका, क्या है इसमें आपको करेक्ट करके लिखना है? आ जूस इज आ लिक्विड एंड हैज अ फिक्स शेप. हैज अ फिक्स शेप. मैम हैज अ नॉट मेटल फिक्स शेप. हैज नॉट अ फिक्स शेप. मैम यस सौरभ, नाउ यू टेल बेटा. यस सौरभ. यस लिक्विड जूस इज अ लिक्विड एंड हैज नॉट अ फिक्स शेप. यस मैम. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. द एटम्स इन अ सॉलिड आर लूजली पैक्ड. द
एटम्स इन अ सॉलिड आर लूजली पैक्ड. यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल बेटा आप इसको कैसे लिखेंगे करेक्ट करके. अनुप्रिया माइक ऑफ है बेटा आपका. यस कौन बताएगा. चले अनिल, नाउ यू टेल बेटा. मैम द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर लूजली पैक्ड. नो. यस अमन, नाउ यू टेल. मैम द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड. यस तो देखिए इसमें क्या लिखना है हमें, हमें सॉलिड के बारे में दिया था तो द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली, या इस या भी आप ये भी लिख सकते हैं क्लोजली पैक्ड. तो इसमें मॉलिक्यूल्स इसलिए दिया है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी सॉलिड है ना वो एक ही चीज के एक ही एटम के नहीं बने होते, इसलिए हमने यहाँ पर एटम की बजाय मॉलिक्यूल लिखना है क्योंकि बाकी चीजें एटम की बनी हो सकती हैं लिक्विड वगैरह, लेकिन जब आती है सॉलिड की बात तो सॉलिड जब भी बनाया जाता है उसमें दो या तीन चीजें ऐड करके ही बनाई जाती हैं. तो इसलिए ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ये एटम का कंबाइन फॉर्म होता है. हम सभी ने पढ़ा था ना. यस मैम. यस मैम. चलिए तो इसमें क्या लिखना है, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. ओके. यस मैम. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सॉलिड लाइक ऑक्सीजन एंड कॉफी बीन्स. मैम रॉन्ग. यस रुचि, नाउ यू टेल बेटा इसमें क्या रॉन्ग लिखा हुआ है, क्या आपको करेक्ट करके लिखना है. हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड. यस मैम. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यस दिव्या, नाउ यू मैम. मैम आई टेल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यस मैम. इसमें क्या आ जाएगा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, सॉलिड की जगह गैसेस लिखना है, लाइक ऑक्सीजन एंड कॉफी बीन्स नहीं कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. यस मैम. तो यहाँ पर आ जाएगा एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, फिर से डायग्राम बनाना है. ड्रॉ द अरेंजमेंट ऑफ इन सॉलिड एंड गैस. यस नोटबुक में किए थे लेकिन अब बुक को खाली थोड़ी छोड़ेंगे. यस मैम. मुझे पता है आप सभी लोग नोटबुक में कर चुके हैं लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपको बुक में नहीं करना है तो बुक तो खाली रह जाएगी. मैम ड्रॉ कर लेंगे हम सॉलिड लिक्विड गैस. मैम ड्रॉ करेंगे. मैम ड्रॉ करेंगे. यस तो आपकी ड्रॉ कर लेंगे. आपकी कोई बुक उठा के देखेगा कहेगा ये वाला करा ही नहीं है. तो इसलिए आपको अपनी बुक तो कम्प्लीट yes, बनाना है डायग्राम दोबारा. तो डायग्राम सभी को बनाने की जरूरत है नहीं, बना लेंगे ना सभी. यस मैम. यस मैम. मॉलिक्यूल्स सॉलिड के लिक्विड के एंड गैस के तीनों के अलग अलग दिखा देंगे आप. ओके. अब आते हैं हम 10.3 पे. ये फिलहाल सबसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. चलिए तो फर्स्ट है क्लासिफाई दीज सब्सटेंसेस एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो आपको इसमें बताना है सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूट क्या है. ओके तो फर्स्ट है शुगर एंड वाटर. चलिए सावित्री बताएगी. ये सावित्री शुगर एंड वाटर. तो यहाँ पर डालना है सबसे पहले आपको ए ऑप्शन और ए में से सॉल्वेंट क्या है वो यहाँ लिखना है और सॉल्यूट क्या है वो यहाँ लिखना है. तो देखिए फर्स्ट यानी कि शुगर एंड वाटर. यस बेटा यहाँ पर ए डालेंगे उसके बाद ए वाला पॉइंट का लिख देंगे. फिर बी डालना है. बी में क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूट है वो लिख देना है. फिर लास्ट में डालना है शी.
सी ऑप्शन, उसमें क्या सॉल्वेंट है क्या सॉल्यूट है वो लिखना है. ओके मैम, ए मैम सॉल्वेंट में मैम वाटर लिखेंगे और मैम सॉल्यूट में शुगर. यस चलिए सावित्री नाउ यू मैम. फर्स्ट में सॉल्वेंट में क्या लिखना है, सॉल्यूट में क्या लिखना है? यस मैम, मैम शुगर, मैम शुगर सॉल्यूट लिखना है, मैम वाटर सॉल्वेंट. चलिए तो सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा वाटर एंड सॉल्यूट में क्या हो जाएगा शुगर. चलिए नेक्स्ट है विनेगर इन वाटर यानी कि सिरका. चलिए अतुल बताएंगे. अतुल विनेगर इन वाटर इसमें सॉल्वेंट में क्या आएगा और सॉल्यूट में क्या आएगा? मैम वाटर सॉल्वेंट में आएगा, मैम सॉल्यूट में मैम विनेगर. मैम बेटा सही तो बता रहे हो आप लोग, वेट किया करो, सही तो बताया अतुल ने. तो आपको सॉल्वेंट में क्या लिखना है वाटर एंड सॉल्यूट में विनेगर. फिलहाल इसमें एक चीज बहुत गलत किया, सब में वाटर दे दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है. कुछ ऐसा देना था जिस जो कंफ्यूजिंग होता. मैम सी वाले में कंफ्यूजन नहीं. यस मैम, सी वाले में मैम कुछ कंफ्यूजन नहीं. सी वाले भी कंफ्यूजिंग दिया है. चलिए सी सी बताएंगे वाटर एंड फ्लोर. यस दिव्या मैम सॉल्वेंट में वाटर एंड सॉल्यूट में फ्लोर. सॉल्यूट में फ्लोर. चलिए सत्य प्रकाश नाउ यू टेल. मैम सॉल्वेंट में वाटर एंड सॉल्यूट में फ्लोर. सॉल्वेंट में वाटर एंड सॉल्यूट में फ्लोर. यस मैम. यस सर. मैम नो मैम. मैम मैम नो कौन बोल रहे है? यस मैम क्या नो नो किसने बोला था? मैम सॉल्वेंट में फ्लोर में मैम मैम जब वो फ्लोर बनाए जाते हैं तो मैम सॉल्वेंट मैम वो सॉल्वेंट मैम ज्यादा होता है, मैम फ्लोर में ज्यादा होता है और मैम सॉल्यूट कम होता है. बेटा yes, यहाँ पर घोल जो बनाने के लिए जो चीज घुलने देगी अपने अंदर वो तो पानी ही है ना. यस मैम. मैम फ्लोर किसने आएगा? सॉल्यूट. बेटा बाकियों की तरह आपको इसमें भी सेम है. बाकियों की तरह इसमें भी सेम है, वाटर आएगा सॉल्वेंट में और फ्लोर आएगा सॉल्यूट में. ये कंफ्यूजन आप इसलिए हो गए कंफ्यूज क्योंकि यहाँ पर इसने दिया है वाटर इन फ्लोर. लेकिन होगा क्या, अगर मान लो हमें घोल तैयार करना है आटे का और पानी का, गूंदना नहीं है हमें, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बताना है. तो यहाँ पर घोल बनाना है, अगर आटे का घोल बनाना है तो आप क्या लेंगे ज्यादा? वाटर. वाटर ही लेंगे ना? यस मैम. सेम वही रहेगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका वाटर एंड सॉल्यूट इज फ्लोर. ओके यस मैम. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे. तो क्लासीफाई द लिक्विड कॉम्बिनेशन एज मिजिबल और इमिजिबल. इसमें से आपको बताना है कौन सा लिक्विड मिजिबल रहेगा और कौन सा इमिजिबल हो जाएगा. ओके तो फर्स्ट इज चलिए अभी तक कौन सा ऐसा चेहरा है जिसने कुछ भी नहीं बताया? सुषमा. चलिए सुषमा बताएंगी लेमन जूस एंड वाटर ये मिजिबल लिक्विड है या इमिजिबल लिक्विड है? मैम इमिजिबल. यस आकांक्षा नाउ यू टेल. यस मैम इमिजिबल लिक्विड. मिजिबल लिक्विड. दो दो आंसर आ गए, एक ने बोला इमिजिबल एक ने बोला मिजिबल. चलिए विकास नाउ यू टेल बेटा. यस विकास. मैम इन मिजिबल. चलिए रुचि नाउ यू टेल. यस रुचि. मिजिबल लिक्विड. मिजिबल. चलिए
यहाँ पर सुषमा कंफ्यूज हो बेटा आप, क्योंकि मिजिबल हमने बताया था कि वो ऐसे लिक्विड जहां पर हमने दो लिक्विड को मिलाया और देखने के बाद ये ना पता लगे कि कौन सा कितने अमाउंट में मिलाया गया है, तो वो किसका एग्जांपल होता है? मिजिबल का। यहाँ पर जब हम नींबू का रस पानी में मिलाएंगे तो हमें ये नहीं पता लगेगा देखने के बाद कि हमने एक नींबू मिलाया, दो मिलाया या दस मिला दिए, तो ये कौन सा एग्जांपल होता है? मिजिबल लिक्विड। मिजिबल लिक्विड। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? मिल्क एंड वाटर। ये तो पढ़ा ही था इतनी बार। मिजिबल लिक्विड, ये पूछने की जरूरत है ही नहीं, क्या होगा? मिजिबल लिक्विड। सी ऑप्शन है। अब सुषमा नाउ यू टेल बेटा, ऑयल एंड वाटर किस टाइप का एग्जांपल है ये? मेटल। यस बेटा, इमिजिबल। तो ये इमिजिबल है क्योंकि यहाँ पर जब हम पानी में तेल मिलाएंगे, ऑयल को वाटर में मिक्सअप करेंगे तो ऑयल अलग से दिखाई देने लगेगा, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमिजिबल लिक्विड। अब नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से चीज पूछी है। चलिए शान्विका नाउ यू टेल बेटा, वाटर एंड विनेगर विच टाइप ऑफ लिक्विड, मिजिबल या फिर इमिजिबल? मेटल। यस शान्विका। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है? मेटल। अनुप्रिया नाउ यू टेल, मैम मिजिबल। मिजिबल, वाटर एंड विनेगर मिजिबल। यस सौरभ नाउ यू टेल, यस सौरभ। मिजिबल। सौरभ का आंसर क्लियर नहीं है, इमिजिबल बोला है या मिजिबल बोला है? सौरभ रिपीट योर आंसर अगेन। मिजिबल मैम, मिजिबल। मिजिबल ओके। दिव्या नाउ यू टेल, मैम विजिबल। विजिबल। सावित्री नाउ यू टेल, मैम मिजिबल लिक्विड। चलिए तो मिजिबल लिक्विड है क्योंकि जब हम वाटर में विनेगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा कि विनेगर कितना डाला गया है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिजिबल। तो यहाँ पर ओनली एक हमसे पूछा है इमिजिबल लिक्विड, ऑयल एंड वाटर, बाकी सारे ही मिजिबल के एग्जाम्पल है। चलिए तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा, विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, तो इसमें से कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा और कौन सी चीज मिलाने के बाद सॉल्यूशन नहीं बनाएगी, एंड इसके साथ ही आपको आंसर भी देना है, रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों। ओके, तो मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। यस, याद है आपको? जब हम जो चीज मिक्स हो जाए वो अच्छी तरह मिल जाए और हमें दिखाई ना दे कि हमने क्या मिलाया था, कितना मिलाया था। यस मैम, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो फर्स्ट है वाटर एंड हनी। चलिए सत्यप्रकाश आप बताएंगे, वाटर एंड हनी क्या ये सॉल्यूशन बनाएगा या फिर नहीं? यस सत्य प्रकाश। इंटरनेट भी चल रहा है। सावित्री नाउ यू टेल, मैम मिक्स नहीं होगा अच्छे से। मिक्स करके देखा है किसी ने पानी में? मैम ना, मैम नू। तब आप लोग श्योर है कि नहीं मिक्स होगा? चलिए अब आपको ये बताना है, मैम मैम इमेजिन से मिक्स करके देख।
यस मैम इमेजिनेशन। चलिए अब सारी बातों को छोड़ो, पहले ये बताओ ये सॉल्यूशन है या नहीं है। मैम सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है तो बेटा? ये थोड़ी कहा है कि कलर चेंज होना हो जाने के बाद सॉल्यूशन नहीं बनता। जब आप लोग मैंगो शेक पीते हैं, आप सबके यहाँ माजा आता है, स्लाइस आता है, उसमें मैंगो पाउडर ही तो ऐड किया जाता है, कलर चेंज हो जाता है, लेकिन वो सॉल्यूशन तो है। यस मैम। फिर मैम ये सॉल्यूशन है मैम, हानि नहीं है। मिक्स कम्प्लीटली नहीं मैम, फिर भी मैम वो नीचे बैठ, कम्प्लीटली नहीं, चेंज नहीं होगा, कम्प्लीटली नहीं होगा मैम, वो नीचे बैठ जाएगा। यस मैम, जैसे मैम फाइल हो जाता है। यस मैम, वो चिपचिपा सा रहेगा मैम। यस मैम। ओके, यानी कि वाटर एंड हनी ये एक सॉल्यूशन नहीं है। ओके, यस मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हनी जो है वो वाटर में मिक्सअप नहीं होगा, ये मिक्स करने के बाद इसके कुछ पार्टिकल्स बॉटम पे बैठ जाएंगे। यस मैम। वाटर एंड पेपर, क्या ये सॉल्यूशन है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, इसमें तो कोई ग्लास के नीचे तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम अगर पानी में कंकड़ पत्थर डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे। ये सॉल्यूशन नहीं है, रीजन भी देना है, याद रखना है इसके लिए। अब नेक्स्ट है वाटर एंड सुगर, क्या ये सॉल्यूशन है? दिखाई भी नहीं देगा और मैम सेटल नीचे भी यस तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन है। चलिए तो अब आपको इसका रीजन देना है। बेटा ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है? किसी के यहाँ से आवाज आ रही है? किसके यहाँ से आ रही है आवाज? मैम अभी पता चल जाएगा। चलिए तो फर्स्ट का रीजन देना है, वाटर एंड हनी ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है इसका रीजन देना है। कौन देगा रीजन? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है? वाटर एंड मैम आइडियल यस अमन मैम, वाटर एंड हनी इज नॉट सॉल्यूशन बिकॉज इट इज सेटल ऑन द बॉटम एंड सी द वाटर क्लियरली। वैसे मैं फर्स्ट वाले में मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी, ये वाटर एंड हनी सॉल्यूशन बनेगा या नहीं? मैम नहीं बनेगा, क्योंकि एक जो डॉक्टर होते थे ना, वो मेरे सामने ही मैंने सुना था, किसी किसी को बोलते थे गर्म पानी में शहद मिला करके पीना है, तो यस मैम, तो यानी इन दैट केस ये मिल जाता होगा पानी में। मैम मिलता नहीं है मैम, मैम मैम नीचे जैसे मैम कंप्लेन को मैम दूध में डालो, मैम नीचे बैठ जाएगा। यस मैम नीचे बैठेगा। चलिए तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, एक बार मैं श्योर करने के बाद तभी कंफर्म करूंगी, क्योंकि मैं उसी चीज पे बिलीव करती हूँ जिसमें मुझे मैं 100% श्योर हो जाती हूँ एकदम कि नहीं ये करेक्ट होगा। तो पहले मुझे इसे एक बार कंफर्म करना है, उसके बाद ही आंसर कुछ कंफर्म उसके बाद ही आंसर बताना है कि क्या होगा। तो अभी आप इसे छोड़ देंगे, एक बार मैं इसे चेक करती हूँ। ओके, तो बाकी चीजें तो श्योर है कि वाटर एंड पेबल ये मिक्सर नहीं है, क्योंकि पेबल जो है वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा और पानी ऊपर दिखाई देने लगेगा, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। एंड वाटर एंड शुगर, यहाँ पर जो शुगर है वो मिक्सअप हो जाएगी पानी में। yes,
इसका एग्जांपल कहाँ दिया था हमें, ये रहा। तो शुगर जो है वो पानी में मिल जाएगी अच्छी तरीके से, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ शुगर एंड वाटर। So sugar is added in, sugar is mixed up completely in the water and it is the example of solution, it is form a solution. तो यहाँ पर sugar जो है वो completely add हो जाएगी और हमें दिखाई नहीं देगी, वो bottom पे नहीं बैठेगी, और इसलिए ये किसका example हो जाता है, solution का। मैम water and honey मैम लगता है solution है। बेटा एक बार मैं इसे कंफर्म करूंगी तभी बताऊंगी, अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकती इसके लिए, ये आपको छोड़ देना है, अभी जो भी होगा मैं इसका आंसर आपको सेंड करूंगी। ओके यस मैम। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, याद होगा आप सभी को। यस मैम। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है, चलिए शान्विका बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अभी शान्विका ने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया है आज। यस शान्विका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस बेटा आवाज जा रही है आपको, यस अनुप्रिया नाउ यू टेल बेटा। मैम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउज द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट व्हाइल द व्हाइल सैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउ द नॉट अलाउ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट। यस वेरी गुड। तो यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। यस सौरभ नाउ यू टेल। मैम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैम बट वाटर एंड शुगर इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यस सावित्री नाउ यू टेल। Ma'am, when the state is reached, we say that the solution of water and sugar is saturated. Ma'am, Niharika, now you tell. Niharika likh bhi rahi hai, lag raha hai abhi Niharika ko so jana hai padhai karne ke baad directly. Yes. Hai Niharika? इसीलिए आप जल्दी जल्दी काम निपटा ले रहे हो कि अभी काम कंप्लीट हो जाए फिर आराम से सोना है, ठंड तो है ही ज्यादा। यस निहारिका नाउ यू टेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन द स्टेज ऑफ रीच्ड वी से दैट सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अलोन द सॉल्यूशन द डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट। यस अलसबा नाउ यू टेल। मैम मैं आई टेल सैचुरेटेड सॉल्यूशन नॉट अलाउड टू सॉल्यूट सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउड द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट। मैम आई टेल नो। अतुल नाउ यू टेल बेटा। If it is a allow not more polluted but unpolluted. Yes Ruchi now you tell. Answer
unsoluted solution allow the solution to destroy more solvent, while soluted solution is allow more solvent, and he settle down at the bottom of the glass. चलिए तो देखिए अभी बार इसमें देखते हैं अभी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यस देखिए व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर इज सैचुरेटेड, ये कब होगा? व्हेन अ सॉल्यूशन मैम व्हेन दिस स्टेज इज रेज्ड द सॉल्यूट इज नॉट मिक्स्ड सॉल्वेंट. सबसे पहले हमें अनसैचुरेटेड के बारे में बताया कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अलाउ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट, बट सैचुरेटेड सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट. यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने अंदर हद से ज्यादा चीजें घोलने की कैपेसिटी रखता है, हम उसमें कितनी भी ज्यादा चीजें घोल सकते हैं. लेकिन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है does not allow the solution to dissolve more solvent. तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने अंदर बहुत ज्यादा चीजें घोलने की कैपेसिटी नहीं रखता है. ओके तो ये क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन डज नॉट अलाउ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट. ये इस सिचुएशन पे होता है, इस स्टेज पे, जब इसके अंदर हम और ज्यादा चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं. बट जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है अलाउ द सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मोर सॉल्वेंट. यस मैम. चलिए तो कर लेंगे सभी. यस मैम. आज आपको 10.1 एंड 10.2 ये सॉरी 10.2 एंड 10.3 ये दोनों एक्सरसाइज करनी है. मैम 10.2 मैम फिर से डिस्कशन. 10.2 एंड 10.3 करनी है. और आपको नेक्स्ट क्लास में केवल वही बच्चे क्लास अटेंड करेंगे 11 चैप्टर के लिए जिनका होमवर्क आ जाएगा. मैम भेज देंगे सारा. तो 11 चैप्टर अभी आप पता ही आपको रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, और इससे रिलेटेड एक और वीडियो अभी आपको सेंड करनी है. फिलहाल मैंने एक वीडियो सेंड की थी, आप सभी ने देखी होगी. 11 चैप्टर से रिलेटेड, 11 से रिलेटेड एक लिंक शेयर किया था आप सभी को मैंने वीडियो देखने के लिए. देखा था आप सभी ने या नहीं? और मैम उस पत्थर से मैम वो घर बनाए जाते हैं. यस. और मैम मैम इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक. तो देखिए अभी आपको क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास वही बच्चे अटेंड करेंगे जिनका होमवर्क आ जाएगा. तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फिलहाल, ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो. पहले है 10.2, इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है और लिखना है उसके बारे में. मैंने आपको बताया कहां से कहां तक लिखना है, ये भी बताया था. सेकंड में जूस इज अ सॉलिड, लिखना क्या है हमें, जूस इज अ सॉलिड को कट करके लिक्विड एंड हैज नॉट अ फिक्स शेप. तो जूस एक लिक्विड है और इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है. एंड दूसरा था द एटम्स इन अ सॉलिड आर लूजली पैक्ड, तो हमें क्या लिखना है, द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. ओके यस मैम. नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सॉलिड, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर, मैनी गैसेस. द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कॉफी बीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है सभी को. फिर आता है 10.3, इसमें आपको फर्स्ट, ये बहुत ही इजी है, सभी कर ही लेंगे. हमारा सॉल्वेंट में आ जाएगा वाटर वाटर वाटर, कितना इजी है. यस मैम. एंड शुगर विनेगर. नेक्स्ट है इसमें लिक्विड में आपको बताना है कौन सा मिजिबल है और कौन सा इमिजिबल है. तो इसमें जो हमारा थर्ड है ओनली यही मिजिबल है, बाकी जो तीनों है ए बी डी ये किसके एग्जांपल है, मिजिबल लिक्विड के.
इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन है और क्यों है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, क्यों नहीं है। तो वाटर एंड हनी ये फिलहाल अभी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसे छोड़ देना है। वाटर एंड पैबल ये आपको बताना है, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बिकॉज द पैबल्स आर नॉट मिक्स विद द वाटर एंड द पैबल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। यहाँ पर जब हम ग्लास में पैबल्स को ऐड करेंगे तो वो मिक्सअप नहीं होगा एंड ये सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे, तली पे। तो सो इट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए ये सॉल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। वाटर एंड शुगर ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का, बिकॉज द शुगर मिक्सअप मिक्स वेरी वेल इन द वॉटर, ये बहुत अच्छी तरह पानी में घुल जाएगी एंड दिस इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके अनुप्रिया मैम, आपने जो वीडियो सेंड किया था मैम मेरे मोबाइल में नहीं आया है। बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से सेंड कर दूंगी, अभी हमने फिलहाल वो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया है, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको नहीं, फिलहाल सभी को सेंड करना है फिर से, ताकि आप बहुत हो सकता है पहले से देखा हो भूल गए हो आप, तो एक बार फिर से याद करना है उसे। ओके चलिए, और ये दूसरा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये अपने अंदर और ज्यादा, ये ऐसा सॉल्वेंट होता है जो अपने अंदर और ज्यादा चीजों को अलाउ नहीं कर सकता है, नहीं घोल सकता। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दे अलाउ, दिस सॉल्वेंट अलाउ टू मिक्स मिक्स, ये यहाँ पर हमें दिया हुआ है चैप्टर में। तो ये जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अलाउ द सॉल्यूशन इट डिजोल्व मोर सॉल्वेंट, तो ये यहाँ पर अपने अंदर और ज्यादा सॉल्वेंट को और ज्यादा चीजें घोलने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारे, दे डज नॉट अलाउ द सॉल्यूशन इट डिजोल्व मोर सॉल्वेंट, ये और ज्यादा चीजें घोलने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। ओके चलिए, तो कर लेंगे सभी। यस मैम, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यस तो अभी आपका ये क्लियर रह रहा है, इसे मैं अभी कंफर्म करके भेजती हूँ आपको। ओके यस मैम, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ जो प्रॉपर होमवर्क भेजेंगे अपना। ओके यस मैम, चलिए तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, गुड बाय।